हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको वूली एफिड के बारे में बताऊंगा। बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि वूली एफिड हमारे पेड़ों में बहुत फैल रहा है, तो इसके बारे में आज ये वीडियो होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है वो आप लोगों तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके लिंक दे दूंगा और कुछ दवाइयों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या मैं सभी दवाइयां बताऊंगा, आप बाजार से भी इन इजली ले सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको वूली एफिड दिखा दूंगी कि इसका सीन क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट व्हाइट से इस तरह से होता है, तो मैं इसे अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ अपने किस तरह से ये होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से वूली एफिड यहाँ है। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वूली एफिड इसमें फैल गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये होता है और इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। ये आपको अगर दिख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हिलते हुए, आप ध्यान से देखें इस तरह से इसमें कीड़े और बाद में ये मक्खियां भी बन जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये हिल रहा है इस तरह से, ध्यान से देख सकते हैं। आपने बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि सिर्फ इससे जो है मक्खी ही बनती है और वो एक जगह से जाके फिर दूसरी जगह चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कीड़े भी होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से कीड़े भी इससे पैदा हो जाते हैं और ये धीरे धीरे हमारे ऊपर से ये जब फैल जाएगा तो फिर ये नीचे धरती पे आ जाएगा। मैं और आपको यहाँ दिखा देता हूँ निकाल के कि इसमें ये इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं ये, और इसके अंदर फिर कीड़े होंगे और वो इस तरह से हिलते हैं। अगर आपको इसमें दिख रहा होगा कैमरा में, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हल्की हल्की मूवमेंट इनमें होती है और बाद में कुछ की ये मक्खियां बन के एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं ये फैलते हुए। तो आप इन्हें टाइम से रोक ले। कुछ भाई बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें इस वक्त कीटनाशक की स्प्रे कर देंगे तो माइट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बारे में पूरा मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से होते हैं और जब हम इन्हें छूते हैं तो इसमें खून की तरह कुछ पदार्थ इनसे निकलता है। इनका जो मेन रीजन है वो क्या होता है, जैसे हमारे कहीं पर ये इस साल मान लीजिए ये अभी डेड हो गए, कुछ बच जाएंगे स्प्रे करने के बाद भी, मैं और आपको निकाल के दिखाऊं। जैसे ये बच जाएंगे इस तरह से, थोड़े बच जाएंगे, तो ये जहां पर हमारे कटा हुआ पार्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कोई कटा हुआ पार्ट होगा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये छुप जाएंगे सर्दियों में। यहाँ पर ये अपने अंडों को रखेंगे यहाँ पर, या तो ये छुप जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर यहीं से ये आके आगे जो हमारी नई ग्रोथ होती है, आप देख सकते हैं इन पे ये इफेक्ट करते हैं, वहां से आकर ये धीरे धीरे और फिर ये और फैल जाता है और बाहर से ये व्हाइट व्हाइट सा कवर अपने को इससे ये कवर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दवाई के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप इनका सर्दी में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्दी में जो कास्टिक सोडा होता है या जो हम समर ऑयल या TSO करते हैं उसके बीच हम डर्मेट डाल सकते हैं, उससे भी इसका काफी हद तक निदान हो जाता है। सर्दियों की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप सर्दियों में ही इन्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों में इस तरह की स्प्रे कर लेनी चाहिए, अभी दिक्कत आती है स्प्रे करने में। तो आपको ये मैंने दिखा तो दिया है, इस तरह से ये कुछ होता है और ये फिर यहां से फैल के, जैसे अभी बरसात आ जाएगी तो वहां से चल के ये फिर हमारी जड़ों में भी फैल जाते हैं। मैं जड़ों में भी आपको दिखा देता हूँ, जहां पर ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फोड़े से हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फोड़े से हो गए है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये वूली एफिड की मार फैल गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फोड़े फोड़े हो जाएंगे, ये वूली एफिड का ही सारा मसला होता है। ये जो हमारे पेड़ों में आपने देखा होगा गांठे सी बन जाती है नीचे, ये सब वूली एफिड का होता है। नर्सरी में भी होता है ये, हर चीज में वूली एफिड अक्सर सेब के पौधों में पाया जाता है। काफी ये नुकसान करती है हमारे पेड़ पौधों को, तो इसके बारे में कुछ स्प्रेज वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए जो अगर केमिकल की बात कर दे, एक अलका करके स्प्रे आती है, उसकी स्प्रे आप इसके लिए कर सकते हैं। उसकी जो डोज रहेगी वो 80 ml आप डाल सकते हैं, और इसमें आप अगर अलका नहीं करते हैं तो मेलाथियोन करें इसमें आप, और जो क्लोरोफायरीफॉस होते हैं उसे आप ना करें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो क्लोरोफायरीफॉस होता है उससे माइट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी, पर फिर भी आप उससे बचे क्लोरोफायरीफॉस से, क्योंकि उससे माइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इसे रोकना चाहते हैं तो आप जो नीम ऑयल होता है
उसे करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जो अच्छे नीम ऑयल होते हैं। चिपकू कंपनी का एक नीम ऑयल होता है जो मैं यूज करता हूं और उसके रिजल्ट हर चीज में बहुत बेहतर रहते हैं। आप उसकी बड़ी पैकिंग भी ले सकते हैं, वो ऑनलाइन बड़ी पैकिंग भी आ जाती है और छोटी पैकिंग भी आ जाती है। बाजारों में अक्सर मैंने देखा है बहुत कम दुकानों में सही जो नीम ऑयल है वो मिलता है, बाकी सब ऐसे ही है, ज्यादा उनका इफेक्ट नहीं है। एक तो वो कोल्ड कंप्रेस्ड नहीं होते, दूसरे उनके जो यूज करने के बाद रिजल्ट भी मुझे नहीं मिले हैं। मैं पहले उन्हें भी यूज कर चुका हूं कुछ को। तो आप नीम ऑयल 500 ml 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं और उसके साथ आप क्या करें, विम जेल जो होता है उसे भी आप 75 ml उसमें डाल देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक आपको दे दूंगा। और इसके अलावा एक जो दवाई आती है वो होती है बायर वालों की मेटा स्टॉक्स, उसको भी आप कर सकते हैं। 500 ml की डोज उसकी रहेगी ड्रम में और विंटर में जब सर्दियां होती है उस वक्त आप इसमें धरती में थाइमेट होता है उसे 10 ग्राम सॉइल में डाल सकते हैं तौलिए के हिसाब से, उससे भी इसमें काफी निदान होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप कास्टिक सोडा करते हैं तो उससे भी ये काफी हद तक खत्म हो जाते हैं और उससे माइट की प्रॉब्लम भी खत्म होती है और जो पतझड़ वगैरह होते हैं उसमें भी उससे काफी अच्छा फायदा होता है। और इसका मैं आपको दिखा दूं इसको आप कैसे पहचाने अगर आपके पहले थी ये, जैसे मैं ये यहां से निकाल देता हूं, ये आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें फोड़े फोड़े से हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरह से फोड़े फोड़े हो जाते हैं और ये फैल के यहां से जाएगा नई शाखा में, दूसरे पेड़ में ये उड़ के चले जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमें करना पड़ता है। मैं दोबारा से आपको दवाइयां रिपीट कर देता हूं। सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो आप अलका कर सकते हैं, एलिका ALIKA इस तरह से उसका नाम होता है, 80 ml उसकी डोज रहेगी। और मेला थियोन आप कर सकते हैं, क्लोरोफायरीफॉस मैंने आपको मना कर दिया कि वो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। और नीम ऑयल के बीच आप विम जेल पा सकते हैं, नीम ऑयल आप 500 ml की स्प्रे करें और 75 ml उसमें विम जेल डाल दे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक मेटासीटो स्टॉक्स होती है वो आप 500 ml डाल सकते हैं और सर्दियों में आप थाइमेट करके एक आता है उसे आप 10 ग्राम सॉइल के हिसाब से अपने तौलियों में डाल सकते हैं, उससे जो धरती वाले होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। या अगर आपके अभी भी जड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो एल्का वगैरह है इनकी आप ड्रिंकिंग टाइप भी थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर जड़ें ही खराब हो जाएगी तो पौधा खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक बीमारी होती है। आपने देखा होगा जहां ये एक पौधे में अगर फैलती है तो आप वहीं से अगर कंट्रोल कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि इससे पहले कि ये सारे में फैल जाए। इस साल ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, वैसे इसे इग्नोर ही किया जाता है पर इसे इग्नोर ना करें क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है भाइयों। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप इंस्टा फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ दवाइयों के मैं जो नीम ऑयल वगैरह है इनके भी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।